वर्ध्यातील सेवाग्राम आश्रम हे जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखले जात असून महात्मा गांधीजींच्या सत्य आणि अहिंसा या तत्वांबद्दल जाणून घेण्यासाठी येथे देशातूनच नव्हे तर विदेशातून अनेक पर्यटक भेटी देत असतात. मात्र कोरोनामुळे मागील 2 वर्षात परदेशी पर्यटक आलेच नाही आहेत. आश्रम स्थापनेपासून इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रसंग आला की आश्रम सुरू असले तरी पर्यटकांची संख्या मात्र कमी झाली आहे. सेवाग्राम आश्रम येथे नेहमी पर्यटकांची रेलचेल पाहावयास मिळते, परंतु कोरोना काळापासून मात्र पर्यटक कमी झाले. परदेशी पर्यटकांचा आकडा हा 3 ते 3,500 घरात असतो. कोरोना के टाइम में देखिए कि खाली आश्रम की बात ही नहीं, पूरी दुनिया की बात. सब जगह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो हुआ ही है. लोगों को परेशानी हुई है. लोग उनका मोबिलिटी जो बोलते हैं ना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है. लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई धंधा नहीं कर सकते हैं. तो इसकी वजह से उनको या तो घर में बैठना पड़ता है, नहीं होगा तो कोई कंटेनमेंट सेंटर में जाना पड़ता है, नहीं तो इस तरह उनको एलूफ माने दूसरे कामों से एलूफ रखना पड़ता है. वो आश्रम के ऊपर भी उसका असर पड़ा हुआ है. आश्रम में जो पहले एक टाइम में खुले टाइम में बहुत सारे लोग आते थे, बाहर से भी आते थे, बच्चे भी आते थे. आजकल तो वो सब बंद हो गया है. मुश्किल से जो लोग आते थे उसका 10% भी आज नहीं आ रहे हैं. और दूसरी बात है कि वो आएंगे भी तो उनको हम ज़्यादा यहाँ पर अंदर रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं होनी चाहिए. और वो यहाँ बैठ कर के, क्योंकि ये बीमारी की वजह से जो गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शन लाया वो अपने लिए भी फॉलो करना है, ये एक बात है. उसके अलावा बाकी तो हम कुछ किसी के खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो किसी के खिलाफ बोलने का विषय भी नहीं है. और ये जो बीमारी की वजह से लोगों को परेशानी हुई है वो सबको हुई है. वो हमारे भी विजिटर्स का भी यहाँ नंबर कम हुआ है. दूसरा, एक्टिविटी भी हमारी अफेक्ट हो गई है. कुछ जैसे हमारे बुक स्टॉल चलता था, खादी का सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर चलता है, रेस्टोरेंट चलता है, यात्रा निवास चलती है, तो ये सब लोगों का जो आना जाना बहुत कम हो गया है. अभी उसमें से राहत मिल जाएगी, थोड़ा उसमें चांस है कि कुछ लोग बढ़ेंगे, आएंगे, उसकी उम्मीद है.